ही दुखद खबर सामने निकल के आ रही है। टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई है। यहाँ सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। ये खबर मिलने के बाद पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। बताया गया है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद से सिद्धार्थ की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। हर कोई सदमे में है। लगभग 2 साल के अंदर कम उम्र में दो पॉपुलर अभिनेता हम सब के बीच नहीं रहे। बता दें, बहुत ही कम उम्र में दुनिया को छोड़कर जा चुके सुशांत सिंह राजपूत के गम से अभी भी लोग बाहर नहीं निकल पाए थे कि आज सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबरें ने पूरे तरह से सबको चौंका के रख दिया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक के बाद आज उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने इस खबर की पुष्टि की है। हालांकि मौत की सही वजह क्या है अभी सामने नहीं आई है। बताया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही यह पूरी तरह से साफ हो पाएगा। बता दें कि बीती रात करीब 9:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को बेहोशी की हालत में लेकर उनके करीबी मुंबई के कपूर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सिद्धार्थ शुक्ला की बहन और उनके जीजा ने उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे थे। पुलिस को सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की जानकारी आज सुबह मिली। पुलिस अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम के बाद ही उनकी मौत की वजह का पूरा पता चल पाएगा। कपूर अस्पताल के डॉक्टर शिव कुमार पोस्टमार्टम करेंगे। कपूर अस्पताल के जो डॉक्टर निरंजन ने सिद्धार्थ की जांच की थी, उन्होंने कहा है कि करीब 10:30 बजे उन्हें डेथ बिफोर अराइवल घोषित किया गया था। जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सामने आई, वैसे ही बॉलीवुड से लेकर फैंस तक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक जताने लगे। ट्विटर हैंडल पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमांशु कॉलोनी ने भी ट्वीट कर शोक जताया। वहीं मल्लिका शेरावत, राजीव खंडेलवाल, नेहा कक्कर, अरमान मलिक और अशोक पंडित, जो इंडियन फिल्मकार के प्रोड्यूसर है, उन्होंने भी वीडियो पोस्ट कर सिद्धार्थ के लिए शोक जताया। और ऐसे बहुत सारे पोस्ट किए जा रहे हैं लगातार, और सिद्धार्थ शुक्ला को की तरफ सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर शोक जताए जा रहे हैं। वही सिद्धार्थ शुक्ला के घर उनके दोस्त लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी माँ और बहन को उससे मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला को टीवी सीरियल बालिका वधू से ही पॉपुलैरिटी मिली थी। वो दिल से दिल तक सीरियल में भी नजर आए थे। बॉलीवुड में डेब्यू उन्होंने हम्प्टी डम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से किया था। वहीं बिग बॉस 13 से उन्हें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 के वो विनर रह चुके थे। बता दें, उनकी जोड़ी को पंजाबी इंडस्ट्री शहनाज गिल के साथ काफी पसंद भी किया गया था। दोनों ही हाल में बिग बॉस ओटीटी में भी नजर आए थे। वहीं सिद्धार्थ ने खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आए थे। बता दें, जब से सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर आई है, तब से पूरी इंडस्ट्री सदमे में है। उनके फैंस और उन चाहने वाले पूरी तरह से शोक में डूबे हुए, क्योंकि 2 साल के अंदर 2 ऐसी मौतें हो गई जिसने सबको हैरान कर दिया है। पहले ही सुशांत सिंह राजपूत, जो इतने कम उम्र के थे, उनकी मौत हो चुकी थी और उसके मौत की सभी भी लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, और उसके बाद आज जो है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर आ गई है, जिसके बाद पूरी तरह से लोग हैरान है और पूरी तरह से उनके जान सिद्धार्थ शुक्ला की जाने की वजह से लोग हैरान है। तो ऐसे तमाम अपडेट के लिए बने रहो, देखते रहे 10 जी न्यूज़। नमस्कार।